हाय फ्रेंड्स, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज का जो रिक्रूटमेंट आया है वो HCL से आया है, मतलब HCL टेक्नोलॉजी से आया है। और आप बैचलर डिग्री कंप्लीट किया हो तो ज़रूर अप्लाई कर दीजिए, और आप फ्रेशर्स हो और आपका एक्सपीरियंस है तो इस दोनों के लिए ये जॉब अवेलेबल है। और इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी फीस और कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ इंटरव्यू होगा। तो पूरा डिटेल्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। और चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि बहुत सारे जॉब नोटिफिकेशन आने वाला है। तो चलते हैं आज के वीडियो में। तो देखिए, आज का जो जॉब है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, HCL टेक्नोलॉजी से जॉब आया हुआ है। और जॉब जो लोकेशन होगा वो नोएडा में होगा, मतलब उत्तर प्रदेश में होगा। और टोटल 40+ वैकेंसी है और दोनों पोस्ट है। फर्स्ट पोस्ट है प्रोसेस एसोसिएट का और सेकंड पोस्ट है सीनियर कस्टमर सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी का। और देखिए, टोटल परमानेंट जॉब है और प्राइवेट है। तो आप फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेशर्स जो अप्लाई करेंगे वो प्रोसेस एसोसिएट के जॉब के लिए फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। और जो एक्सपीरियंस है, मिनिमम 1 ईयर से 3 ईयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए वो सीनियर कस्टम सर्विस के लिए, ठीक है। और आपका एज लिमिट होना चाहिए 18 से 38 ईयर। और आपको अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस आपको देना नहीं पड़ेगा। और टोटल जो सैलरी पैकेज है 25,000 से प्लस है पैकेज। और एडुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, प्रोसेस एसोसिएट के लिए BCom कम्प्लीट होना चाहिए। और आप फ्रेशर्स हो तो ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। और सीनियर कस्टमर सर्विस के लिए आपका BA, BCom, BSc, BBA, BCA ये सब क्राइटेरिया आपको एलिजिबल हो तो आप ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। तो आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 से 3 ईयर, मतलब इस फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते इस पोस्ट के लिए। तो फ्रेशर्स सिर्फ प्रोसेस एसोसिएट के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन देखिए स्टार्ट हो चुका है, तो लास्ट डेट कब तक होगा वो दिया नहीं है नोटिफिकेशन में, तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए क्योंकि लास्ट डेट अभी तक दिया नहीं है। और अप्लाई की प्रोसेस है टोटली ऑनलाइन है, तो कैसे अप्लाई करेंगे वो प्रोसेस मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो पहले आप नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए डाउनलोड बटन में जाकर, उसके बाद अप्लाई करिए। देखिए, अप्लाई करने के लिए दोनों स्टेप दिया हुआ है मैंने। तो ये फर्स्ट जो स्टेप है प्रोसेस एसोसिएट के लिए, यहाँ पे क्लिक हियर ऑप्शन है। जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ यहाँ पे क्लिक हियर में क्लिक कर दीजिए। और जो सीनियर कस्टमर सर्विस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो इस पे क्लिक कर दीजिए। तो पहले मैं एक ही पेज, दोनों पेज ओपन करके दिखा देता हूँ। पहले पहले वाला पेज में जब ओपन करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको हेडिंग में दिखा देंगे कि प्रोसेस एसोसिएट के पोस्ट है। और यहाँ पे देखिए नो नंबर ऑफ पोजीशन 20 पोस्ट है और फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं और BCom स्किल चाहिए, ठीक है। तो अब व्यू जॉब एंड डिटेल्स अप्लाई में क्लिक कर दीजिए। और दूसरा वाला जो पोस्ट है उस पर जब क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सिर्फ सीनियर कस्टमर सर्विस के लिए है और BA, BCom, BBA कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, टोटल 29 20 पोस्ट है। तो इसको भी अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए। तो जब अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अप्लाई ऑप्शन में जे क्लिक करना है। और अप्लाई ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आप न्यू यूज़र है तो आपको आई डोंट हैव एनी अकाउंट येट तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ईमेल एड्रेस डालना है, उसके बाद पासवर्ड आपका री पासवर्ड, मतलब कौन सा पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वही पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिए। तो पासवर्ड रखने का एक क्राइटेरिया है 8 से 25 कैरेक्टर होना चाहिए और मस्ट बी इस ए लेटर और स्पेशल कैरेक्टर और नंबर चाहिए इस पासवर्ड के लिए। तो मान लीजिए मैं दिखा देता हूँ कैसे आप पासवर्ड रखेंगे। सपोज ए बी सी और 1 2 3 डायरेक्टर, मतलब इस तरीके से आपको पासवर्ड 4 और 1 रखना है, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से आप रखेंगे तो देखिए दोनों ठीक हो गया, मतलब ये पासवर्ड आपको अवेलेबल है। तो ये पासवर्ड आप दे सकते हैं इस तरीके से, दोनों ही पासवर्ड यहाँ पे चूज कर लीजिए। और उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन, आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई भी रख दीजिए, जो रखेंगे यहाँ पे आंसर दे दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन दे दीजिए, थर्ड क्वेश्चन दे दीजिए। तीनों क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए क्योंकि जब आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो फॉरवर्ड करने के लिए ये क्वेश्चन आपको चाहेंगे मांगेंगे। तो उसमें जाकर क्वेश्चन सिलेक्ट करके सही आंसर देना पड़ेगा। तो प्लीज़ इस आंसर को केयरफुली दे दीजिए। और उसके बाद कंटिन्यू
कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा। तो यूज़र नेम और पासवर्ड जब आ जाएंगे तो तब आपका क्या करना, साइन इन पर क्लिक कर देना और यहाँ पर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल देना और उसको साइन इन कर देना। उसके बाद आपको फॉर्म सामने आ जाएगा, तो उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा पोस्ट के लिए भी एक सेम प्रोसेस है। इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो आई होप इस जॉब का पूरा डिटेल्स आपको समझ में आ गया होगा, कैसे अप्लाई करना है वो भी प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ जल्द से जल्द आपका एलिजिबल हो तो अप्लाई कर दीजिए, और कोई भी तकलीफ है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगा। चैनल में नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे जॉब नोटिफिकेशन में आने वाला हूँ। और मेरे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल में आप जब ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको जॉब नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहे, और बहुत सारे जॉब नोटिफिकेशन यहाँ से मिलता रहे। तो चलते हैं इसी तरीके से नया जॉब लेके, फिर से आऊँगा। तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए। धन्यवाद।